आज हम बनाएंगे खीर और वो भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने छोटी कटोरी भर के घी ले लिया है और एक कटोरी भर के मैंने लिए है सेवैयाँ और एक कटोरी भर के मैंने लिया है मखाना। तो मखाना और सेवैयाँ दोनों ही हेल्दी हैं, तो सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। हमें इसको लो फ्लेम पे सॉटे करना है, अगर फ्लेम हाई होगी तो सेवैयाँ जल सकती हैं। और अब उसके अंदर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने सबसे पहले लिया है आलमंड, क्योंकि आलमंड को सिकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है काजू और पिस्ता के कंपेरिजन में। और अब मैंने थोड़े से काजू लिए हैं और थोड़ा सा पिस्ता, और उसको भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको सिकने में, तो इसको भी हम एकदम लो फ्लेम पे सेक लेंगे। तो अब ये सब अच्छे से सिक चुका है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जितना दूध लिया है। अगर आपको ज्यादा लिक्विड पसंद है तो आप ज्यादा भी दूध ऐड कर सकते हो। और अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। अब मैंने ऐड किया है केसर, और केसर से कलर भी बहुत अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो केसर डालने के बाद उसको 3 से 4 उबाल आने तक हम पकाएंगे। अब हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितना मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। और अब शुगर मेल्ट हो तब तक उसको हम पकाएंगे। इसके अंदर आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। तो देखिए 10 मिनट में हमारी हेल्दी खीर बनके रेडी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है और हेल्दी भी है। तो अब इसको हम सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। अब इसको ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। हमारी ये टेस्टी और हेल्दी खीर रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब। ओके बाय।